जय हिंद साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए मित्र, हम देखते हैं सवाल की ओर। विलोपन विधि से हल करें। हमारे पास दो समीकरण दिया हुआ है और इन दो समीकरणों के मदद से हम विलोपन विधि से एक्स और वाई का मान निकालेंगे। तो पहले यह समीकरण को समीकरण पहला मानेंगे, यह जो समीकरण है इसको दूसरा मानेंगे और हम समीकरण समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, चलिए मेरा फर्स्ट समीकरण है y tan 2x माइनस 2y बराबर 2। तो चलिए देखिए इनमें क्या करना है। तो हमको यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये समीकरण दूसरा जो समीकरण है, समीकरण पहला यह समीकरण दूसरा, इस समीकरण दूसरा में दो से गुना करेंगे तो यह चार के रूप में हो जाएगा, तो यह दोनों हमारा कट जाएगा। तो इसको हम दो से गुना करेंगे तो अब लिखेंगे पुनः, तो थ्री थ्री एक्स प्लस फोर वाई बराबर टेन, यह तो मेरा पहला ही हुआ। और दूसरा को दो से गुना करेंगे, दो दुनी चार एक्स प्लस माइनस दो दुनी चार वाई बराबर दो दुनी चार। अब देखिए मित्र, यहाँ चिन्ह भी परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि ऊपर में प्लस चार है, नीचे में माइनस चार है, तो यहाँ हम लिख देंगे जोड़ने पर लिख देंगे। अब यह तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, अब जोड़ते हैं तो थ्री एक्स और फोर एक्स बराबर सेवन एक्स बराबर टेन और फोर फोर्टीन होगा। अब देखिए एक्स का जो हम मान निकालेंगे, फोर्टीन बाय सेवन करेंगे, कटेंगे तो दो होगा, यानी कि एक्स का मान हमारा निकल गया दो। अब क्या करेंगे मित्रों, इस एक्स का मान कर यह समीकरण फर्स्ट और सेकेंड दोनों में से किसी में अगर हम रखेंगे तो हमारा वाई का मान निकल जाएगा। चलिए एक्स का मान लिखेंगे, एक्स का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, सेकेंड में रखने पर, ये सेकेंड है दो, एक्स के जगह पे हम क्या रखेंगे, एक्स का मान निकला दो, एक्स के जगह पे हम दो रख दिए, माइनस टू है बराबर कितना दो, तो दो दे देंगे, दो दुनी चार माइनस दो है बराबर दो। अब क्या करेंगे, तो एक्स को अंक वाली एबीसीडी से जितने भी अक्षर होते हैं जब तक उसको एक और रखते हैं, अंक वाले को एक और, चलिए इस चार को हम दाएं और भेजते हैं, उधर भेजते हैं, तो यह चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, टू वाई इधर रह जाएगा और दो इधर है, यह प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, इधर हुआ माइनस दो वाई, इधर ये चार हुआ, तो चार माइनस है, दो दिए दिए तो माइनस दो ही बचेगा, और माइनस माइनस को कैंसिल कर देंगे, वाई बराबर दो बाय दो होगा, यानी कि एक, वाई बराबर एक। तो मित्र यही है हमारा विलोपन विधि, इस विधि के मदद से हम एक्स और वाई का मान बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।